जिया, तुम मेरी बेटी के बच्चे को जन्म दोगी तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। जिया बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कहते हैं ना, बच्चा अपनी माँ के पेट से ही संस्कार लेकर पैदा होता है। जिया, मैं चाहती हूँ देवयानी के बच्चे पर तुम्हारा असर हो, ना कि किसी बुरी आत्मा का। ये तुम क्या कह रही हो जिया? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। देखो, तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हारे इस फैसले से तुम समझ रही हो कि कितनी प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, मैं जानती हूँ। जिया, माँ सही कह रही है। यूं ही कोई फैसला नहीं लिया जाता। तुम शोम के बारे में सोचो। शोम क्या कहेगा? उसके घर वाले क्या कहेंगे? जरा सोचो, वो क्या सोचेंगे कि उनकी बहू हमारे घर के एक बच्चे की माँ बन रही है? डोंट वरी शेखर, मैं शोम को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। शोम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और मुझे पूरा यकीन है कि शोम इस तूफान में मेरा साथ जरूर देगा। ओह माय गॉड, ये तो पूरा मामला उल्टा पड़ गया। अब अगर जिया सरोगेट मदर बनने को तैयार है तो मुझे कौन पूछेगा? शो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा साथ जरूर दोगे, लेकिन मैंने तुमसे मशवरा किए बगैर ये फैसला लिया है, इसलिए तुम्हें बताना भी जरूरी समझती हूँ। हाय जिया, यहाँ क्यों बुलाया तुम? घर ही आ जाता। शोम, हम दोनों यहाँ इत्मीनान से बात कर सकते हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसी क्या बात? Is everything okay? शोम, मैंने एक फैसला लिया है और उसका असर हम दोनों की जिंदगी पर पड़ेगा। कैसा फैसला जिया? देखो, आई एम गेटिंग वरीड नाउ। यूं पहेलियों में बातें मत करो। फैसला तुमने बिना सोचे समझे कर लिया? शोम, मैंने ये फैसला बिना सोचे समझे नहीं लिया, बहुत सोच समझ कर लिया। और तुम जानते हो कि देवयानी भाभी पागलपन की हद पार कर चुकी हैं, और घर में इस बात के लिए कोई भी राजी नहीं है कि नेत्रा सरोगेट मदर बने। ऐसे में मैं क्या करती? देवयानी भाभी को यूं ही मरता छोड़ देती? जिया, इतना बड़ा फैसला और तुमने मुझसे एक बार भी पूछने की जरूरत नहीं समझी? इसलिए तो मैं तुमसे बात करने आई हूँ। बात करने आई हूँ या फैसला सुना? अगर बात करनी थी तो फैसला सुनाने से पहले बात करती, घर में सबको बताने से पहले बात करती। क्या मेरी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे फैसलों में कोई जगह नहीं है? शोम, ऐसी बात नहीं है, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत क्या है। लेकिन जो हो गया है वो बदला तो नहीं जा सकता। मैंने अपना फैसला ले लिया और इस फैसले के बारे में घर वालों को भी बता दिया। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि तुम मेरे इस फैसले में मेरे साथ हो। बोलो शोम, तुम मेरा साथ दोगे ना? शोम, शोम, वाह, ये तो कमाल हो गया। भगवान ने तो आज मेरी मनचाही मुराद पूरी कर दी।
यानी अब जिया 9 महीने के लिए इस घर में बंद जाएगी। मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई लव दिस, आई जस्ट लव दिस। अब तो मुझे शोम को भी अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जिया तो खुद ब खुद इस घर में रह रही है। भाई शोम, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ये तो अपनी अपनी किस्मत है, नहीं? अब अगर किस्मत मेरे फेवर में चल रही है तो दोस्त मैं क्या करूं? शेखर, शेखर, बाबा, शेखर, मेरी तो सोचने की शक्ति मानो खत्म हो गई। एक तरफ देवयानी और समर की हालत देखी नहीं जाती और दूसरी तरफ जिया की शादी होने वाली। मेरे तो समझ में नहीं आता है कि जिया के इस फैसले पर कैसे रिएक्ट करूं। नहीं बाबा, अब हमें जिया को किसी भी सेक्रीफाइस के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। यह बात अलग है कि अगर इस काम पे हम किसी पे भरोसा कर सकते हैं तो वो सिर्फ जिया है। जरा सोचिए बाबा, शोम क्या सोचेगा? हालांकि वो इतना अच्छा आदमी है कि उसको इस बात को लेके कभी कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं शेखर बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि जिया ने यह फैसला देवयानी की नाजुक हालत को देखते हुए लिया है और मुझे लगता है हमें भी देवयानी की इस हालत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन बहन जी, जिया और शोम की शादी होने वाली, ऐसे वक्त में हम उसे ऐसे काम की इजाजत कैसे दे सकते हैं? जिया ने हमेशा इस घर के लिए बलिदान दिया है, लेकिन कब तक वो इस घर के लिए बलिदान देती रहेगी? हमारी खुशी के लिए अपनी खुशियों को कब तक नजरअंदाज करती रहेगी? नहीं बहन जी, हमें उसकी खुशियों को भी देखना पड़ेगा। हम जिया को इस फैसले की इजाजत नहीं देंगे। भाई साहब, आप खुद भी नहीं चाहते थे ना कि कोई बाहर वाली औरत हमारे घर के बच्चे को जन्म दे, और आज की तारीख में जिया से ज्यादा अपना तो हमारा कोई भी नहीं है ना, ये तो आप भी मानते हैं ना। फिर आप क्यों नहीं चाहते कि आपके खानदान के वारिस को जिया जन्म दे? हाँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जिया। बोलिए भाई साहब, जिया से ज्यादा भरोसेमंद और कोई है क्या? तुम यहां क्या कर रही हो? शोम, तुम्हें पता है ना हमारे घर में क्या चल रहा है? कम ऑन शोम, हर बात पर यूं सिर हिलाना बंद करो, वरना बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। फिर मत कहना कि मैंने आगाह नहीं किया था। शोम, जिया को तो बलिदान देने की आदत सी पड़ गई है, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम्हारी खुशी जिया से जुड़ी हुई है तो तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं? शोम, जिया खुद को उस घर पर न्योछावर कर देगी। कभी सोचा है तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे घर की खुशी का क्या होगा? मैं तुम्हारे और जिया की भलाई चाहती हूँ, इसलिए यहाँ आई हूँ, ट्रस्ट मी। वरना मुझे क्या पड़ी है किसी के पर्सनल डिसीजन में टांग अड़ाऊं? शोम, मैं जानती हूँ अगर जिया को पता चलेगा कि मैं यहाँ आई थी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी मैं यहाँ आई हूँ। प्लीज प्लीज, जिया को इस बलिदान के जुनून से अलग कर दो। अगर इसके लिए मुझे उस बच्चे को जन्म देना पड़ा तो मैं दूंगी। सावित्री आंटी नहीं मानेगी तो मैं उनके पैर पकड़ लूंगी। प्लीज, अपने घर की खुशी के लिए जिया को रोक लो, उसे सरोगेट मदर बनने से रोक लो। नेत्रा प्लीज, मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो।
मैंने इस बारे में अभी तक फैसला नहीं लिया। ठीक है चुनू, ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हारी मदद के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। ठीक है। सरोगेट माधव, किसी और के बच्चे की माँ बनना? नहीं क्षोम, ये मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तुमने इजाजत कैसे दी जिया को ऐसा कुछ करने के लिए? मॉम, मैंने अभी जिया से कुछ नहीं कहा। क्या? तो जिया ने ये फैसला अकेले ले लिया? कैसे? कैसे क्षोम, इतना बड़ा फैसला वो अकेले कैसे ले सकती है? देखो तुम जिया से बात करो। चोम जब नेत्रा माँ बनने को तैयार है तो जिया क्यों बेकार में? माँ नेत्रा तो तैयार है, लेकिन देवयानी भाभी की माँ और समर भैया उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चोम आई डोंट केयर, तुम प्लीज जिया से बात करो। जिया हमारे घर की होने वाली बहू है, ऐसे किसी भी फैसले में हमारी भी रजामंदी जरूरी है। चोम माँ प्लीज, मैं देखता हूँ। जिया, क्या तुम सचमुच हमारे बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो? जिया, तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम कितना बड़ा फैसला ले रही हो? तुम्हारी शादी होने वाली है, हो सकता है उन लोगों को इस बात पर एतराज हो। तुम्हें उन लोगों से बात तो करनी चाहिए थी। भैया, मैंने देवयानी भाभी में अपने आप को देखा, उनके दर्द में मैंने अपने दर्द को देखा है। भैया, मैंने भी तो अपना बच्चा खोया है ना, और मैं जानती हूं कि एक औरत के लिए बच्चे का खोना क्या होता है। और मैं नहीं चाहती कि भाभी के साथ ऐसा। और रही बात शोमा और उसके घर वालों की, तो आप उनकी चिंता मत कीजिए। जिया, भाभी, मेरे लिए इतना सब कुछ, अब आप कुछ नहीं कहेंगे? कैसे चुकाऊंगी मैं तुम्हारा ये ऐसा? भाभी, मैंने कहा ना आपसे, अब आप कुछ नहीं कहेंगे, आप चुपचाप रहिए और बस आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इन सब का क्या नतीजा निकलेगा कुछ समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आ रहा बाबा? नहीं जी, तुम्हारे इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूं, और ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत दे सकता हूं। बाबा, जब मैंने अपना बच्चा खोया था तो इस घर ने मुझे संभाला था, आप सबने, देवयानी भाभी ने, और आज इस घर को मेरी जरूरत है तो मैं कब तक जिया, कब तक अपनी खुशियों की बलि चढ़ाती रहोगी? बाबा, एक औरत के मां बनने को अहमियत को जानती हूं मैं, एक बच्चे की अहमियत को, अपना बच्चा खोने के दर्द को। बाबा, आप जानते हैं देवयानी भाभी और समर भैया की क्या हालत है? उनकी हालत देखकर तो कोई कुछ भी कर सकता है। और रही मेरी बात, मैं अपनी खुशियों की बलि नहीं चढ़ा रही,
बल्कि देवयानी भाभी के लिए ये सब करके मैं अपनी खुशियां हासिल करना चाहती हूँ। मां बनने की खुशी हासिल करना चाहती हूँ, एक बच्चे को पाने की खुशी हासिल करना चाहती हूँ। बाबा प्लीज आप मुझे मत रोकिए। बाबा गायत्री जी आई है, आपसे मिलना चाहती है। गायत्री जी? हाँ, बहुत नाराज लग रही है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। जी बाबा। गायत्री जी इस वक्त? बाबा शायद क्षोम ने माँ को सारी बातें बता दी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। जिया, मैं ये मौका अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। तुम चाहे कितना भी बड़ा सैक्रिफाइस कर लो। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। ये मैं क्या सुन रही हूँ भाई साहब? हमारी होने वाली बहू आपके घर में सरोगेट माता बनने जा रही है? ये फैसला आप लोगों ने ले कैसे लिया? I mean she's single, how can you let a single girl become a surrogate mother? I'm sorry to say, लेकिन मुझे आप लोगों से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं। माँ, ये फैसला मेरा है, प्लीज आप बाबा को कुछ मत कहिए। और ये फैसला मैंने अकेले लिया है, इसमें घर का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है। जिया, अगर ये तुम्हारा फैसला है तो ये गलत फैसला है। हाँ जिया, मैं सही कह रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम कोई भी फैसला ले सकती हो बिना किसी से पूछे, बिना किसी को कुछ बताए? जिया, तुम हमारे घर की होने वाली बहू हो, इतना हक तो हमारा भी बनता है तुम पर। हमारे घर से रिश्ता जुड़ने जा रहा है तुम्हारा, क्या हमारा तुम पर कोई हक नहीं? इतनी भी उम्मीद एक माँ अपनी बहू से नहीं कर सकती कि अगर बहू कोई बड़ा फैसला लेने वाली हो तो अपनी सास के साथ सलाह मशवरा कर ले। ठीक है जिया, मुझे ना सही, लेकिन तुमने क्षोम को भी नहीं पूछा, उसे भी कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत नहीं समझी तुमने? तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारने वाली हो, लेकिन नहीं, तुमने सबको इग्नोर कर दिया। माँ, मुझे आप माफ कर दीजिए, मैंने ये फैसला लेने से पहले आपको नहीं पता, लेकिन ये फैसला लेने के बाद मैंने एक शोम से बात की है और मुझे लगता है कि मेरे इस फैसले से वो सहमत है, उसे कोई एतराज़ नहीं है। ये तुमने कैसे समझ लिया कि उसे कोई एतराज़ नहीं है? क्या उसने तुमसे ऐसा कहा? नहीं ना जी, हाँ मैं खुद उसकी आंखों में एतराज़ देख कर आ रही हूँ। कोई भी पति ये कैसे चाहेगा कि उसकी बीवी सरोगेट मदर बने? मॉम ठीक कह रही है जी, आई एग्री विद हर। तुम्हारी सरोगेट मदर बनने की डिसीजन से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। तुम सरोगेट मदर नहीं बन सकती।